ध्यान से काम करो, ध्यान से। ध्यान से कर रहे हैं हकीम जी। बहुत शिकायतें आती हैं। शिकायतें आती हैं? हाँ। कौन करता है शिकायत? सारे मरीज कहते हैं कि चेला दवा बढ़िया नहीं पीसता है। बढ़िया नहीं पीसता है? खाने में बहुत तकलीफ हो रही मरीजों। ठीक है, आपसे सही पीसा करेंगे। ये तो रोज कई के बहाने करते हो, आज शिकायत अगर आई तो ठीक बात नहीं है। ठीक है हकीम जी। हाँ, काम में ध्यान लगाओ। ठीक है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे रगड़ा मारा जाता है। देख रहे हो हकीम जी? हकीम जी, हाँ, पेट में दर्द हो रहा है। बहुत कस के दर्द हो रहा है। कब से हो रही है? आज दो दिन हो गए। तो खोपड़ी क्यों संवार हो? मरीज जहाँ बैठ के चलो वहाँ बैठे, चल के बैठो। जाओ चेले बांध के आओ डोरी, नब्ज देख के बताते हैं। ठीक है हकीम जी। तुम दवाई में ध्यान लगाओ। ठीक है हकीम जी। मरीज की हालात बहुत खराब है, बहुत शिद्दत से उसके पेट में दर्द हो रहा है। सुबह पराठे खाए थे? हाँ हकीम जी, दो पराठे खा लिए थे। दो पराठे खाए थे? अबे पराठों के साथ में अचार किसने तुमको बताया खाने को? हकीम जी, एक कांस ली थी अचार की, ज्यादा नहीं लिया था, एक कांस खाई थी बस। अरे घर में जितना अचार था एक ही बार में खा लेते। बहुत हाल खराब है। और इसने क्या काम करके आया है? पराठे खाए हैं, अचार, और ऊपर से मालूम ठंडा पानी पी के। बेटा घर में फ्रिज रिज है क्या तुम्हारे? हाँ है ना। हाँ फ्रिज है। ठंडे पानी बहुत शौकीन हो? हाँ बहुत शौकीन है। बहुत अच्छा करा, जाओ खोल लिया नब्ज। हकीम जी दर्द बढ़ता ही जा रहा है। खामोश। जब तुम्हारा पूरा हाल जान लिया है तो अब क्यों मगज पी रहे हो मेरा? दर्द बढ़ता जा रहा है। तब पराठे खाए थे हमसे पूछा था, अब आए हो थोड़ी देर आराम कर लो, अभी दवा दे रहे हो सही हो जाएगा। बन गई दवा बेटा? बन गई दवा। खिला दो खुराक दवा। ये लो तीन खुराक दवा, इसमें जो है बांध दो। हकीम जी बस इन्हें जल्दी ठीक कर दीजिए, पूरा घर का कारोबार इन्हीं के ऊपर है, जही को सबको संभालते हैं। इनको बहुत जल्दी हम ठीक कर देंगे। अभी एक खुराक इनको जमाल गोटा खिलाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक लेटरीन है लेटरीन में आ जाएंगे, पेट साफ। और पेट साफ हो गया दर्द बंद हो जाएगा। ठीक है बांधो, बांधे तीन खुराक दबाओ, एक खुराक इन्हें जमाल गोटा। बांध रहे हैं। और सुन लो मरीज जो भी पेट में दर्द की जल्दी जल्दी करे उसको जमाल गोटे की एक खुराक दबा जरूर दे देना। ठीक है हकीम जी। दौड़ता रहेगा सरकारी ऑफिस, दौड़ा दे इनको सरकारी ऑफिस, दौड़ा दो। जाओ एक खुराक खिलाओ, जा जेलो जो दवा खाओ। बहुत दर्द, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा भैया। हकीम जी दर्द कम नहीं हो रहा, दवा खा ली मगर कुछ दर्द नहीं कम हुआ अभी।
अरे दवा खा ली है, कोई जादू नहीं है, खोपड़ी पे मत चढ़ो, दवा हल्लक से उतरी नहीं और दर्द बंद हो जाए। अच्छा खाते तो पूछते हो हम लोगों से कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। बड़े बड़े बदतमीज मरीज चले आते हैं, हल्लक से ऐसे दवा उतरी हो कहते दर्द नहीं बंद है, खिला तो दी है दवा, थोड़ी देर में फायदा कर जाएगी। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा बेटा, टाइम लगेगा, परेशान मत हो। अब जो 3 खुराक दवा है, घर पे जाके खाना। हकीम जी खाने में क्या लें, पराठे खा लें। ऐसा है तुम खाने में हमें छोड़ के सबको खा लेना जो तुम्हें अच्छा लगे। ये पकड़ो दवा, जाओ दवा दे के आओ और पैसे ले लो। ये लो दवा, पैसे लाओ भैया, पैसे हैं तुम्हारे पास दे दो। दे रहे हैं पर पैसे नहीं। हकीम जी कितने रुपए लेना है? अरे भाई पुराने नुस्खा है, 20 रुपए का है, 20 रुपए का। हकीम जी से पूछ लो, अचार खा ले। जी जी हकीम जी, हाँ ठीक है। हकीम जी कह रहे हैं अचार खा ले, बाकी पैसे जमा हो गए, कल दवा ले लेना। अचार अचार छोड़ दो, अगर सही होना है बाकी कुछ भी खा लेना बच्चे। और एक काम करना, घर में जाके थोड़ी आराम कर लेना, ठीक है, और आराम से ही रहना, ठीक है। ज्यादा दिमाग ना चलाना, 3 खुराक दवा है, एक साथ ना खा लेना, फिर हकीम जी की कोई गलती नहीं। ठीक है चलो अब जाओ। हकीम जी अब दर्द मेरा बंद हो गया, अब जा सकते हैं? जाओ क्या करोगे, यहाँ रुक जाओ, मेहमानी खा के जाना। जब दर्द बंद हो गया तो जाओ घर पे आराम करो जाके। और एक बात सुन लो, अब अचार अचार नहीं खाना, जो घर में अचार रखा है लेके आना, तुमको अचार नुकसान कर रहे हैं। अचार खाओगे फिर यही हाल होगा तुम्हारा, जाओ भाई जाओ। चलो भैया अब अचार अचार नहीं खाएंगे, जो अचार को